आप वाकई एक्स मुस्लिम है? अच्छा वाकई है, क्या एज है आपकी? उनको शक है। 17। सेवनटीन? ओहो अरे अच्छा, भाई तो आप प्रैक्टिसिंग अफसोस का मुस्लिम मकाम थे? है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 18 साल से पहले तो शादी अलाउ नहीं करते थे, इसने आपको इस्लाम छोड़ना कबूल करवा दिया यार, वैसे ये बड़ी अजीब बात है। कब, कितनी देर हुई इस्लाम छोड़ा आपने? एक एक दिन वाह, ये सही है। आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते जो अल्लाह के रसूल ने पेशगोई की थी, सुबह मोमिन होंगे शाम को काफिर? हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम है हजरत, उनको ले लेते हैं, और वो शायद आपसे ही बात करना चाह रहे होंगे। जी जी एक्स हाँ, मुस्लिम इंशाल्लाह साहब, उसके बाद फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। जी हेलो, भाई, ठीक हो गया? जी, भाई, डू यू सपोर्ट लॉज लाइक गिवन इन सही बुखारी 582 जी भाई, फाइव? डू यू सपोर्ट लॉज लाइक गिवन? उसमें अच्छा ठीक होगा है, मन बदला दीनहू फक्तुलूहू, और क्या वही वाला ना, नहीं नहीं जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो, वही वाली हदीस ना, नहीं सर, और कौन कौन सी सी है है? जी, आप खोल कर देख लीजिए। अच्छा, वो भी हमने खोल अच्छा ली जी, है। बड़े शाने हैं भाई। यानी हम आपका इंतजार कर रहे हैं हजरत, हमें अरे कोई आप जनाब जनाबे अली हदीस देंगे और उसको हम खोल के चेक। भाई आप खोल लें, आपका रेफरेंस आप खोलें भाई, हमें क्यों थकाते हैं? तो बता दें, वैसे कॉन्टेक्स्ट बता दें। वैसे टॉपिक जो है वो तो सेकुलरिज्म का था, हमने तो आपसे पूछना था कि अच्छा सेकुलरिज्म के बारे में आपकी क्या राय है। अच्छा जी, तो उसमें कुछ इस तरह से है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इतना पीटा कि उसका हाथ जो है वो ग्रीन हो गया, लेकिन जब रसूलुल्लाह के पास वो आई तो उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, तो क्या ये गलत नहीं था? अच्छा, ये किधर है हदीस, जरा ओपन कीजिएगा। सही बुखारी 5825 हाँ, ओपन करें ना जरा, उसको देख पढ़ें तो सही जी। स्क्रीन शेयर का यहाँ पर कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। है। किधर से हैं आप, फोन से हैं लैपटॉप से हैं? फोन से हाँ तो फोन से नहीं होगी, लैपटॉप से होगी। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस्लाम में जो एक स्टेटस का या कैटेगराइजेशन का तरीका कार है, जिसे हायरार्की कहते हैं दर्जे के अतबार से, उसमें पेरेंट्स का या हस्बैंड का रोल क्या है, वो चीज जब समझ आ जाएगी। ये था अच्छा, मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला जो है वो मुजरिम को मार सकता है? जी मार सकता है? जी ठीक है, क्यों? गलती करने पर नहीं तो गलती क्या, तो मारना क्यों है भाई, क्यों मारो, क्यों जिसकी जरूरत कैसे है वो हाथ लग उठाए, क्यों मारे? गलती गलती है, ठीक है, मारे क्यों? बोलिए भाई। अच्छा, मर्द गलती करे तो मैंने आपसे क्या पूछा है, पुलिस मार सकती है? आपने कहा हाँ, क्यों? बोले ना भाई, क्या हो गया? भाई बोल क्यों आप नहीं तो रहे? जवाब तो दे दिया। अच्छा, आईजी मैंने अगर कुछ गलती करेगा तो कमिश्नर मार देगा उसको? क्या कमिश्नर मार सकता है आईजी को? नहीं तो आप किसी गलती का जिक्र नहीं, वो बिना मतलब का। ओहो, मैं तो क्या आपको कहानी बता बोल, रहा हूं, एक मुजरिम, मैंने तो मुजरिम की मिसाल ही दी ना भाई। एक्स मुस्लिम भाई बोलिए ना, क्योंकि उसी के अंदर तो आपका फार्मूला ठीक होना है। आप वो बोल ही नहीं रहे तो फार्मूला कैसे ठीक करूंगा? या मैं जब जिसका फार्मूला ठीक करने लगता हूँ वो चुप क्यों कर जाता है, मुझे ये नहीं समझ आती। अजीब बात है। आप वाकई एक्स मुस्लिम है? अच्छा वाकई है, क्या एज है आपकी? उनको शक है। 17। सेवनटीन? ओहो अरे अच्छा, भाई तो आप अफसोस प्रैक्टिसिंग का मुस्लिम मकाम थे? है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 18 साल से पहले तो शादी अलाउ नहीं करते एथियस्ट ने आपको इस्लाम छोड़ना कबूल करवा दिया यार, वैसे ये बड़ी अजीब बात है।
अच्छा, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे प्यारे भाई? जी अच्छा, कब, कितनी देर हुई इस्लाम छोड़ा आपने? एक दिन। एक दिन? वाह, ये सही है। आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते जो अल्लाह के रसूल ने पेशगोई की थी, सुबह मोमिन होंगे शाम को काफिर। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम, आप एथिस्ट बन गए, क्या नहीं हैं फिर आप? आई बिलीव देयर इज अ गॉड बट यू नो नो स्पेसिफिक रिलीजन। गॉड है, लेकिन फिर आगे बोले, थोड़ा आवाज कम है आपकी। स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, थोड़ा खुल के बोले। आप तो एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम तो बड़ा कहते हैं जी हम तो बस ये कर देते हैं, तो वो कर, तो उनसे जी, बोले थोड़ा। तो गॉड मौजूद है लेकिन कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, राइट? तो ये कैसे पता चला आपको कि गॉड मौजूद है? There is enough evidence for it. मसलन एक आध दे दें कोई, हमें भी पता चल जाए। How can something come? Means we can't create a human being, so if something भाई भाई can't be भाई भाई भाई, created, then उर्दू भाई, उर्दू या हिंदी में बात करें, हमारे लिए एक्स मुस्लिम को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उर्दू और हिंदी में बात करें। अगर कोई चीज बिना बना अगर हम कोशिश करें तब पर भी नहीं बन सकती है, तो बिना बनाए अपने से कैसे बन सकती है? जी अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि कायनात जो है वो बगैर किसी के बनाए खुद से खुद वजूद में नहीं आई, कोई बनाने वाला जरूर है। ठीक, तो मेरा और आपका बनाने वाला कोई ना कोई है, ठीक? अच्छा, वो बनाने वाला जालिम है कि इंसाफ पसंद है? क्या होना चाहिए उसको? इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद होना चाहिए। अगर उसने मुझे बना के, आपको बना के बगैर हिदायत के छोड़ दिया, तो वो जालिम ठहरा के इंसाफ पसंद हुआ? जालिम जालिम हुआ, इसका मतलब उसने हिदायत जरूर दी है, ये तो ठीक? उसमें वो हम लोगों में इनबिल्ट था। अच्छा, अब ये जो इनबिल्ट हिदायत है, अब इस हिदायत से हम, मसलन आपको, क्या आप अपने आप को समझते हैं कि आप हिदायत पर हैं? जी मेरे पास एक बेसिक मोरल प्रिंसिपल तो है, नहीं ड्यूटी। नहीं आप मुझे बताएं, चूंकि आपने खुदा का इंकार नहीं किया, आप ये कह रहे हैं खुदा मौजूद है, और आप ये भी कह रहे हैं कि खुदा ने आपको हिदायत दी, वो इनबिल्ट है, वो हिदायत बताइए क्या है जो इनबिल्ट है? ये कि किसी के साथ गलत करना गलत बात है, किसी के साथ गलत करना गलत बात है, ठीक गलत है। है, और कुछ? और किसी तरह की बेहयाई करना गलत है। अच्छा ठीक है, अब मसलन एक आदमी आपको मारे, गलत तरीके से मारे, यानी इलीगली मारे, तो क्या आप उसका उस अब यानी आप इंतकाम लेंगे? जी पुलिस को अप्रोच करेंगे। अच्छा, पुलिस मसलन करप्ट है, आप खुद इंतकाम लेंगे? जी इससे फिर ज्यादा मसला खड़ा हो सकता है। ठीक है, मेरे आप पास इंतकाम नहीं कैपेबिलिटी है लेंगे, तब तो तो अब लेंगे, आपको, अगर आपको तो इंसाफ कैपेबिलिटी मिला है नहीं, तो चूंकि लेंगे। इससे मसले खड़े होंगे, पुलिस है करप्ट, उसने आपको मारा, आपको नुकसान पहुंचाया, अब आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये तो इंसाफ तो मतलब वही गॉड देगा, और कौन हाँ, वो कहाँ देगा? मरने के बाद या जिंदगी में। मरने के बाद देगा? क्या ये चीज बिल्ट इन है या किसी की बताई हुई है मजहब की? जी ये बात जो है ये तो मतलब अगर आप कुरान को पढ़ लें हाँ, तो इसका तो मतलब ये कुरान हुआ में कि कुरान ने आपको बताया है, कुरान की आपने इस बात को मान लिया, नहीं, तो वो फिर हम आप नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि कुरान में जो सूरह लुकमान जो है अरे उसको छोड़ उसमें दीजिए, अभी मेरी भी बात का जवाब दीजिए कि ये वाली बात, आपने कहा हिदायत बिल्ट इन है, तो मैंने उस बिल्ट इन के बारे में पूछा कि उससे आपको ये नहीं पता चलता कि कयामत कायम होगी, जबकि आप कयामत के कायल हैं, कयामत के ऊपर आप ईमान रखते हैं, आप कहते हैं मरने के बाद इंसाफ मिलेगा कयामत वाले दिन, ये नहीं। आपको किसने बताया? बिल्ट इन हिदायत से तो पता नहीं चल सकता ये।
जी अगर वो गॉड जस्ट है तो एक ऐसा मतलब सबको एक दिन तो आएगा, मतलब फिर जिस दिन सबको इंसाफ मिले, ठीक उसके है, जजमेंट डे में बिलीव सही है। करूंगा। अच्छा, अब आप अगर ये मानते हैं कि अगर वो गॉड जस्ट है तो एक दिन आएगा जिस दिन सबको इंसाफ मिलेगा, क्या आप ये भी मानते हैं कि वो गॉड के जो जस्ट है, जिसने आपको क्रिएट किया, जो आपको सस्टेन करता है, आपको रिस्क देता है, क्या उसकी कोई इबादत भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, वो आपको कैसे पता चला और आप इबादत कैसे करेंगे? जी जिस तरह हकीम लुकमान वगैरह करता था। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हकीम लुकमान किसी मजहब को फॉलो नहीं करते थे? यो तो फतरत पता। फतरत? तो ये जो फतरत है आपकी, अगर फितरत हकीम लुकमान वाली है, तो जरा मुझे अपनी नमाज पढ़ के बताइए कैसे पढ़ते हैं आप, खुदा की इबादत कैसे करते हैं? जी तो मतलब बेसिकली गॉड को प्रेस करते हैं वगैरह, और हाँ, कैसे मतलब करते हैं क्या बताइए। कि आपको अलग अलग जगह अलग अलग मतलब तरीका मिल जाएगा। तो नहीं, मैं आपका तरीका पूछ रहा हूँ भैया, वो तो मुझे मुझे पता है कि मिल जाएगा, आपका क्या तरीका है? हम तो नमाज पढ़ते हैं। अभी तो आपने कहा कि हाँ आप एक्स मुस्लिम हो। आप तो एक्स मुस्लिम थे यार, किसी का भी मतलब ये फॉलो कर सकते हैं इसमें। तो यानी किसी भी मजहब को आप फॉलो कर सकते हैं? गॉड को ये करने के लिए मतलब किसी भी मजहब को आप फॉलो कर सकते हैं ना? कि जिसमें भी जो मोनोथीस्टिक कुछ चीजें हैं उन चीजों को फॉलो कर सकते। तो मजहब गलत तो ना हुआ? आपने कहा कि मैं गॉड को तो मानता हूं, मजहब को नहीं मानता, आप मजहब की इबादत को तो मानते हैं। लेकिन मोरल कोड जो है उसको मजहब के मॉरल कोड को आप नहीं मानते? मतलब अच्छा अच्छा सारों को नहीं लेकिन कुछ को। तो आपका जो मॉरल कोड है, वो आपका सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? खुद बनाते मॉरल कोड या ऑब्जेक्टिव मॉरल कोड है? जी मोरल कोड जो है वो खुद से मतलब इंट्यूटिवली इंसान को पता होता है। जब मतलब कि मतलब जैसे कि आप देखें जिसको आप जिन स्टेट्स को अगर आप रिलीजियस नहीं मानते हैं, वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि चोरी करना गलत है, किसी को बिना मतलब कि कत्ल करना गलत है या जो भी, तो आजादी इसको अच्छी मतलब चीज हमको है, पता बुरी चीज है है? कि आजादी तब तक अच्छी है जब तक हम दूसरे की आजादी उससे इन्फ्रेंज नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है। एक आदमी मसलन किसी सेक्युलर स्टेट में ये कहता है कि मुझे आजादी है कि मैं अपनी जिंस को बदल दूं, और आज से मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूं, तो उसने किसी दूसरे की को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो क्या आप उसको मोरली आजादी देंगे? जी लेकिन ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए तो बुरा है, क्योंकि मतलब हम लोग बायोलॉजी से तो ये बात जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो अपने आप को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, उससे रिप्रोडक्शन को क्या फर्क पड़ा? रिप्रोडक्शन है, करता रहो, वो अपने सिर्फ अपने आप को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं औरत हूं। ये बात तो अपने जीन्स को जब आप चेंज करते हैं तो आप नहीं, उसके जीन्स बारे को में उसने कोई चेंज नहीं बिल्कुल किया। हम ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर अनराइट। रहे हैं, हम सिर्फ गेज एंड लेस्बियंस की बात कर रहे हैं। अच्छा तो कर ले एक आदमी मसलन आइडेंटिफाई। बाइसेक्सुअल है और उसको आजादी है बाइसेक्सुअल होने की, तो रिप्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आप उसको आजादी देंगे? हाँ क्या दिक्कत है। अच्छा, तो अभी तो आपने ये कहा कि जो फवाहिश हैं, बेहयाई है, आप उसके खिलाफ हैं, तो क्या आप इसको बेहयाई नहीं मानते? जी मानता चलो तो भाई, एक तरफ आप इसको बेहयाई मानते हो, दूसरी तरफ आप किसको कहते हो कि क्या हर्ज है? तो देखें मेरे भाई, अभी आपकी उम्र है 17 साल, आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करके ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, जी तो जब आपको कुछ नहीं पता, ना तो मजहब का पता, ना आपको लिबरलिज्म का पता, ना आपको सेक्युलरिज्म का पता, ना आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज का पता, तो आपने ये जो मौकिफ इख्तियार किया, यानी अभी तो आपको मतलब अगर आप जाए ना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो आपको धुतकार दें कि भैया अगले साल आना, अभी से कहां से आ गए हो। वोट डालने के लिए आपकी राय, अगर आप वोट डालना चाहेंगे, तो आपकी राय मैटर नहीं करती।
तो जब आप छोटे छोटे मामलात में एलिजिबल नहीं है, शादी आप नहीं कर सकते बहुत से ममालिक में, वोट आप नहीं डाल सकते, ड्राइविंग आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अभी तो आपके पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र है, और आप बात कर रहे हैं ऐसी, और चलो मैं ये कहता हूं कि कर लो, लेकिन कोई बुनियाद तो हो, कुछ आदमी पढ़ा लिखा तो हो। ये जो ट्रेंड है ना सोशल मीडिया की वजह से, कह रहे चलो हम मजहब को डिनाउंस कर देते हैं, अच्छा है कौन नमाज पढ़े कौन रोजा रखे, इस चीज से बाहर निकलिए भाई। ये तो निकल गए हजरत, ये चले तो गए, आपने बेसिक, हाँ चले गए, उन्होंने बेसिक बेसिक चीजें आपने पूछी हैं तो वो तो निकल गए। वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, उनको कॉन्सेप्ट्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, और जी जी छोटी जी एज है, उनको हम गलत भी नहीं कह सकते। और हजरत ने अच्छा किया थोड़ा सा उनके साथ बात की कि वो खुद सोचें, छोटी एज के हैं आप, थोड़ा आप सोचें इबादत के लिए, अखलाकियात के लिए, इन चीजों के लिए आपने जिन चीजों को मियार बना रहे हैं, क्या वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं, उनमें क्या तरीकाकार है, तो इनको जरा देखें, ठीक है मेरा भाई। और आपकी छोटी एज है, जरा अपने कुरान को, इस्लाम को भी पढ़िए एक बार तसल्ली से, साइटों वगैरह से, आर्टिकल्स वगैरह से, इन चीजों से हट के कुरान को, ओरिजिनली मतन को पढ़िए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। वाइफ बीटिंग की बात आप कर रहे हैं, उस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिसमें मुमानत की गई है, जिसमें ये चीज कहा गया कि बेहतरीन तुम में से वो है जो अपने अहल वयाल के लिए बेहतरीन है। सवाल ये उठता है कि वो क्या वाकया है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि एक पुलिस वाले को कौन इजाजत देता है कि वो मुजरिम को मारे। इस्लाम में जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है सोसाइटी का, उसमें पुलिस को ही सिर्फ लीगल एक्शन की अथॉरिटी नहीं दी जाती, उसमें प्रॉपर एक फैमिली सिस्टम है, जिस तरह माँ बाप है, जिस तरह खावंद है, जिस तरह माँ बाप बच्चों के लिए होते हैं, तो बड़े भाई छोटे बच्चों के लिए होते हैं, ये पूरा एक सिस्टम चलता है। मैं हजरत, मेरा दिल था मैं एक ना प्रोग्राम इस पर भी या वीडियो भी करूंगा कि पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिसिंग के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर जितना बजट लगाया जा रहा है, अगर इन चीजों को फैमिली सिस्टम को डेवलप किया जाए और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो किस तरीके से ये बजट्स कम हो सकते हैं, ये जी मैं हाँ इस पर काम काम का, का, जो है ना करना चाह रहा हूँ। मैं जरूर कल देख इंशाल्लाह। रहा, जी, जो कल मैं देख रहा था कि पर बंदे पर तकरीबन $900 पर बंदे के ऊपर खर्च हो रहा है पुलिसिंग डिपार्टमेंट टैक्स के तौर पर एनुअली, ठीक है, वो खर्च कर रहा है पर बंदे के ऊपर $1,000 आप साइड पे कर लें, वो दे रहा है। तो ये बजट जो है ये तकरीबन मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स और इवन बिलियन डॉलर्स को ओवरऑल, ये एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में उन्होंने टॉप स्टेट के तौर पर मिसूरी को काउंट किया और दूसरी तीसरी जो स्टेट्स हैं उनको काउंट किया, 12 स्टेट्स। मैं देख रहा था कि इस्लाम ने आपके पास एक ऑप्शन दिया था कि आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे मुआशरों के अंदर माँ बाप का खौफ होता है ना, बच्चा कितनी बुराइयों से बच जाता है, कितने बुरे कामों से वो बच जाता है, माँ बाप का खौफ है। इसी तरीके से औरत जो है वो मुआशरे के अंदर, अपनी खानदान के अंदर बड़े तरीके के साथ चलती है। ये जरूरी नहीं है कि हर औरत के ऊपर आपको हाथ डालने का कहा गया है, वहां अऊ के सीगे इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर उस चीज को समझेंगे कि जिस तरीके से पुलिस को लाइसेंस टू किल या लाइसेंस टू अरेस्ट या लाइसेंस टू जो है ना वो हिट समवन, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रूअल टू बी काइंड, एक टर्म इस्तेमाल होती है क्रूअल टू बी काइंड, कि आप जो है ना अपने बच्चों के साथ इसलिए कई दफा जोर जबरदस्ती करते हो कि उनका भला है इसमें, तो ये भले के लिए बहुत सारी चीजें कई दफा की जाती हैं, समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और फिर उसका पूरे का पूरा वो एक टेक्निक बयान की गई है, वो अंडरस्टूड सी बात है, ऐसे मारना कि जनाब आप किसी को खुदा ना खास्ता, वो एक हजरत वो जो हदीस है गालबन सुनन तिरमदी की है कि एक साहबी आते हैं कहते हैं मैंने अपनी मलका यमीन जो है उसको मार दिया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसको आजाद कर, ये जी कफारा रखा गया, तो एक थप्पड़ मार दिया था कि उसको आजाद कर, उसके पूरी टेक्निक एक बयान की गई है। हजरत उमर फारूक का एक कॉल बयान किया जाता है कि ये बुनियाद इस वजह से रखी गई थी कि ताकि घर के अंदर डिसिप्लिन रह सके, और ये हकीकत है, जिस घर के अंदर मर्द का रोब और दबदबा नहीं होता वहां औलाद बेरहमियों के अंदर लग जाती है, ये देखने में चीज आई है, औलाद बात ही नहीं मानती। और अगर, और ये मैं जिमी कार्टर की किताब का हवाला दे रहा था, अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस, उसमें उसने पेरेंट्स को उठाया क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन एवेंजेलिस्ट था, ये क्रिश्चियन मिशनरी रहा हुआ है जिमी कार्टर जो था, इस्तीफा भी उसलिए उसको देना पड़ा, तो उसने किताब लिखी है बकायदा प्रेसिडेंट ने, और वो एनालिसिस करता है अंदर बैठ के, पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है वो, तो उस बंदे ने देखा हुआ है कि अमेरिका के अंदर मॉरल क्राइसिस किन बुनियाद पे है। उसने जो फोकस किया, उसने कहा फैमिली फैमिली सिस्टम उधड़ा है जिस दिन, वहां से ये मामला हुआ है। हालांकि अभी भी अमेरिका और कैनेडियन सोसाइटीज जो हैं, ये फैमिली सिस्टम है वो यूरोप के मिश्रित कंजर्वेटिव माना जाता है, जी मगर हाँ वहां ये बिल्कुल सर। हाल, एग्जैक्टली राइट, तो वो ये हाल है उनका। खैर हजरत